मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी और फलस्तीन इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ों पर 12 नवंबर को इस्लामी तआवुन तंजीम यानी OIC का सऊदी अरब में सरबराही इजलास हो रहा है। इस इजलास में ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे और पूरे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। इस इजलास के ताल्लुक से पाकिस्तान के मशहूर सियासी रहनुमा आलिम दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की है बहुत अहम है और पहली मरतबा उन्होंने जानिब तवज्जो दिलाई है, किसी और ने इस तरह की बातें नहीं की है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि OIC का इजलास हमास की नुमाइंदगी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। OIC के इजलास में फलस्तीन की क्यादत के लिए, फलस्तीन की नुमाइंदगी के लिए महमूद अब्बास को हमेशा से बुलाया जाता रहा और हमास को नजरअंदाज किया जाता रहा और किसी भी मुस्लिम मुल्क ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब OIC का इजलास हो रहा है, गजा पट्टी के मसाइल के लिए हो रहा है, फलस्तीन के मसाइल को हल करने के लिए हो रहा है, और इस इतने बड़े इजलास में अगर हमास के रहनुमाओं को नहीं बुलाया जाएगा, हमास की नुमाइंदगी नहीं की जाएगी, तो फिर इस इजलास का कोई मकसद नहीं रह जाता है। जो असल फरीक है, जिनका असल मसला है, जिनके देश के बारे में बात होगी, जो अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने वतन के हुसूल के लिए लगातार कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अगर उनको ही इजलास का हिस्सा नहीं बुलाया जाएगा तो फिर वो इजलास कैसे कामयाब हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान पिछले दिनों कतर गए थे और कतर जाकर वहाँ उन्होंने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह शेख इस्माइल हानिया से मुलाकात की। मौलाना की तरफ से खबर भी सामने आई थी कि गजा पट्टी भी जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि गजा पट्टी नहीं गए बल्कि वो कतर से वापस आ गए। लेकिन कतर पहुंचकर उन्होंने बराह रास्त मुलाकात की इस्माइल हानिया से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन फोटोज़ को शेयर किया, दुनिया भर की मीडिया में उनकी तस्वीरें आई और खुलकर उन्होंने इस्माइल हानिया के साथ मुलाकात की, जिसके लिए एक बड़ा तबका उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि दूसरे नेताओं ने, लीडरों ने इस तरह की हिम्मत और जुरत नहीं दिखाई है। और हमास के रहनुमा से मीडिया के सामने मुलाकात करने वाले चंद लोग ही हैं जिनमें मौलाना फजलुर रहमान का नाम सरफहरिस्त है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पहुंचकर कहा है कि हम सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने OIC का सरबराही इजलास बुलाया है 12 नवंबर को, लेकिन हमास के नुमाइंदों को, हमास के रहनुमाओं को बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करना, गजा पट्टी की क़्यादत को नहीं बुलाना और सिर्फ वेस्ट बैंक की क़्यादत बुलाना फलस्तीन को तकसीम करने की साजिश है और यह रवैया सही नहीं है। हमास को जब तक नहीं बुलाया जाएगा OIC के इजलास कामयाब नहीं हो सकता है। मुझे भी लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो ये मौकिफ है बहुत अहम है और दूसरे अहम रहनुमाओं को भी जानिब तवज्जो देनी चाहिए। तुर्किया की तरफ से लगातार सपोर्ट मिलता है हमास को, गजा पट्टी को, फलस्तीनी कौज को, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कभी OIC में हमास की नुमाइंदगी की बात नहीं की है, जबकि उनको करना चाहिए था। OIC में तुर्की का अच्छा खासा असर रसूख है और अगर ऐसा तुर्की की जानिब से किया जाता है तो हमास के एक बड़ी कामयाबी होगी और अपने मौकिफ में उनको मजीद मजबूती मिलेगी। हालांकि पिछले दिनों तुर्की के वजीर खारजा ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। ईरान को भी इस सिलसिले में पहल करने की जरूरत है। कतर तो लगातार हमास को सपोर्ट करता है, कतर में हमास का दफ्तर भी है, इसके बावजूद यह खबर कभी नहीं आई कि कतर भी यह चाहता हो कि OIC में हमास की नुमाइंदगी हो। बहरहाल फजलुर रहमान ने जो मौकिफ अपनाया है और जिस तरह का मुतालबा किया है वो बेहद अहम है, लेकिन सवाल यही है कि मौलाना फजलुर रहमान के मौकिफ की तायद खुद पाकिस्तान की सरकार भी नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की भी तनकीद की और कहा अनवारुल हक काकड़ ने दो रियासती हल की जो बात की है वो पाकिस्तान के मौकिफ के खिलाफ है, क्योंकि पूरा का पूरा फलस्तीन फलस्तीनियों का है और इसराइल के वजूद को तस्लीम करना और दो रियासती हल की बात करना फलस्तीनियों के साथ गद्दारी और इसराइल की हिमायत करना है और यह पाकिस्तान का मौकिफ नहीं रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने उस वक्त के अमरीकी सदर को खत लिखकर कहा था कि फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करके इसराइल बनाना सरासर गलत और नाजायज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो मौकिफ इख्तियार किया है वह पाकिस्तान के नजरिया के खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान की ये सोच है, आप इस बारे में क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।